आरएसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने घर पहुंचे थे। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें सुरक्षा की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। पुलिसकर्मियों के साथ सिसोदिया सुबह करीब 10 बजे जेल वैन में मथुरा रोड स्थित अपने घर पहुंचे और मुलाकात का वक्त पूरा होने के बाद जेल लौट आए। वापस लौटते समय सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलकर भावुक नजर आए। इसकी फोटो अब केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। अपनी पत्नी के साथ बिताए संक्षिप्त समय के दौरान आप नेता ने छोटी दिवाली पर अपने घर में दिए जलाए। कोर्ट के निर्देश अनुसार उन्होंने अपनी आवाज के बाहर एकत्र मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेल लौटने के लिए घर से निकलते समय पत्नी को गले लगाते हुए सिसोदिया की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह तस्वीर बहुत पीड़ादायक है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा न्याय करना सही है जिसने देश के गरीब बच्चों को आशा दी है। बता दें कि जून में भी सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी। वे मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं। हालांकि वे उनसे नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक बार फिर कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत देते हुए उन्हें मीडिया से बात न करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये पहले से ही रिकॉर्ड में है कि उनकी पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है और दावा किया गया है कि वह पिछले 20 सालों से इससे पीड़ित है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया द्वारा कोई भी राजनीतिक बैठक, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।